नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पहले से बीमार 5 में से 1 व्यक्ति की हुई कोरोना से मौत। तेलंगाना में आसमानी आफत से सड़के हुई तालाब, अब तक 11 की मौत, परीक्षा स्थगित। गुवाहाटी के चिड़ियाघर में जानवरों को गौमांस देने पर छिड़ी जंग, भाजपा नेता और वन मंत्री आमने सामने। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुंबई में बिजली गुल होने के पीछे तोड़फोड़ की संभावना। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेंगी 392 त्योहार विशेष ट्रेनें। तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, मकान पर बोल्डर गिरने से बच्चे सहित 9 की मौत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चंदा कोचर के पति दीपक ईडी के रिमांड पर। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में होगी निजी भागीदारी। आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में अड़चन दूर करने के लिए आरबीआई नियुक्त करेगा अधिकारी। रेड्डी ने कहा कि सरकार अपराध को जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखती। मुंबई आतंकी हमले में बची प्रत्यक्षदर्शी ने हाईकोर्ट से लगाई मदद की गुहार। सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने में लगे थे नवलखा, आईएसआई जनरल से भी मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 25,000 से कम सदस्य वाले दल को मान्यता ना दे चुनाव आयोग। गायत्री प्रजापति की जमानत पर कल आएगा फैसला, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में है आरोपी। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज मामला, खुद पर दर्ज मुकदमा खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 मलेशियाई। चिदंबरम ने वित्त मंत्री की स्कीम पर कसा तंज, कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। किसान रेल से फल और सब्जियों की धुलाई पर 50% सब्सिडी की घोषणा। फर्जी धर्म निरपेक्षता के आरोप लगने के बाद तनिष्क ने हटाया विज्ञापन। इमरान खान के सलाहकार का दावा, भारत ने पाकिस्तान को बातचीत की इच्छा के साथ एक संदेश भेजा। शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए ईपीएफओ ने शुरू किया व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा। चीनी इलेक्ट्रिक उत्पादों का विकल्प मांग रहे ग्राहक, पर अवसर का लाभ उठाने में नाकाम है व्यापारी। कंगना का उद्धव ठाकरे पर वार, बोली गुंडों ने बार रेस्टोरेंट खोले हुए हैं पर मंदिर नहीं। तमिलनाडु में खुशबू सुंदर ने साधा कांग्रेस पर निशाना, पार्टी की मानसिकता पर उठाए सवाल। मंदिर खोलने को लेकर पवार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वहीं राज्यपाल के भाषा पर उठाए सवाल। मंदिर पर संग्राम, राज्यपाल की चिट्ठी पर राउत का पलटवार, कहा हिंदुत्व पर पाठ की जरूरत नहीं।